अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिर महमूद और आप देख रहे हैं महमूद इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, एक 2 इन्वर्ट चार्जर हमने बनाया, इसमें इन्वर्टर 220 वाट का लगा है सर और चार्जर भी है। मैंने चाहा कि आप दोस्तों के साथ इसका वीडियो शेयर करूँ। जी माशाल्लाह, हमारा जो चार्जर था वो कम्प्लीट हो गया सर। कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसकी डिस्प्ले को बहाल कर सकें। एक हमारा जो LDC वोल्टेज हम इसमें लगाएंगे, दूसरा EC वोल्टेज का हम इधर ही लगाएंगे। बाकी आप एम्पेयर भी इसका देख सकते हैं, ये 9 एम्पेयर अभी दे रहा है फिलहाल, क्योंकि मेरी बैटरी सोलर से अभी थोड़ी कुछ चार्ज है। और दूसरी बात सर, ये कि इसमें हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इसमें 220 वाट का AC इन्वर्टर भी लगाया, क्योंकि वो कह रहा था कि हम इससे ज़्यादा लोड नहीं चलाएंगे, सिर्फ सवाई गैस कंप्रेसर के, तो उसके लिए ये बेस्ट है, ना कि हम इसके लिए अलग ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ फार्मूला इसमें एक्स्ट्रा डिज़ाइन करें और इधर छोटा सा मॉड्यूल लगाए, क्योंकि इस पर हमारा जो खर्च है वो भी ज़्यादा आएगा और कस्टमर इससे ज़्यादा और चीज़ चलाना भी नहीं चाहते, तो इसलिए हमने ये लगाए। तो इसकी सेटिंग हमने इस तरह की है कि भी आप देख सकते हैं इन्वर्टर ऑफ है, जैसे मैं इसको लाइट को ऑफ करता हूँ तो इन्वर्टर ख़ुद ब खुद ऑन हो जाता है। और यहाँ हमने इस बटन के साथ इसका कनेक्शन किया है, जैसे हम AC लोड हम आपको ऑन कर सकते ऑन करते हैं, अभी आप देख सकते। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने इसे AC का जो 12 वोल्ट का बल्ब है वो हमने ऑन किया है। इसे इन्वर्टर इधर हमने स्विच भी दिया है, अगर वो इधर से ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं। दूसरा जो प्लग है ये DC लोड के लिए, जैसे जैसे आप देख सकते हैं सर, ये मैं अभी वापडा इस पर ऑन करता हूँ, तो जैसे जैसे वापडा आएगा तो ये इन्वर्टर ख़ुद ब खुद ऑफ होगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चार्जिंग मोड पर चला गया और इन्वर्टर को हमने ऑफ किया। और अगर कस्टमर से कोई मिस्टेक हो जाए, ये प्लस माइनस उल्टी लगाए बैटरी पर, तो हमारा जो इन्वर्टर है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इधर एक्स्ट्रा डायोड ब्रिज भी इंस्टॉल किया है, तो इन्वर्टर को प्लस माइनस सीधा करके देगा। अभी आप दोस्त देख सकते हैं, अभी हमने इस पर ये गैस कंप्रेसर लगाया सर, अभी इधर से हम स्विच ऑन करते हैं तो ये कंप्रेसर ऑन होगा। ये आप देख सकते हैं, ये कंप्रेसर ऑन होगा इस इन्वर्टर की मदद से। कस्टमर जो था वो कह रहा था कि हम सिर्फ इससे ये गैस कंप्रेसर चला लिया और कोई हम इससे और कोई लोड नहीं चलाए। और दूसरी बात सर, इसका इन्वर्टर का हमने कनेक्शन सरीले के साथ किया है, ताकि आप चार्जिंग के मूड में इस पर कोई वोल्ट ज़्यादा या कम ना हो, इसलिए हम इसको जब वापडा पे 220 पे लगा दें तो ये इन्वर्टर ख़ुद बहुत ऑफ होगा और ये चार्जिंग के मूड में चला गया। DC लोड भी एस जैसा है DC लोड, और ये AC लोड भी ऐसा है। तो ये वीडियो मैंने जिस भाई का था वो हमारे शहर से दूर इलाके में सर, उसके लिए तो बनाया, और कुछ इलेक्ट्रिक दोस्त के लिए भी मैंने शूट किया था। यूट्यूब के लिए तो बिल्कुल मैंने ना यूट्यूब की नीयत से मैंने शूट किया था, मेरा उसके सब दोस्तों के साथ शेयर किया। मैंने चाहा कि इसको चैनल पर भी अपलोड कर दूँ, अगर किसी भाई को इसका फार्मूला या किसी चीज़ का भी कोई ज़रूरत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरा कोशिश करूंगा उनको अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, जो इस काफ़ से वाकिफ़ है उसके जहन में सिर्फ एक आइडिया आ गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।